Hello everyone, this video is for those candidates who are scoring 5.5 in one module, that also repeatedly. They have repeated test 4 times, 5 times, but their score is 5.5 in one module. तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगी जिससे एटलीस्ट आप 5.5 से 6 की सीढ़ी इजीली चढ़ पाएंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे लिसनिंग की. जिनको लिसनिंग में हर बार 5.5 बैंड मिल रहे हैं, पहले तो उन्हें रीजन फाइंड करना है. कहीं ये तो नहीं कि उन्हें स्पेलिंग इशू है, प्लूरल सिंगुलर समझ नहीं आते. अगर ऐसा कुछ नहीं तो मेरे से आप एक इसका गुरुमंत्र लीजिए. जैसे कि हम सर दर्द की या किसी बीमारी की गोली लेते हैं और डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि इसे 3 times a day लेना है, वैसे ही आपको लिसनिंग एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3 या 4 लिसनिंग अ डे करनी होगी. उससे क्या होगा, आपका खुद ही एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, दूसरा आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी और आप इतने फैमिलियर हो जाएंगे डिफरेंट एक्सेंट के साथ कि जब आप एग्जाम में जाके करेंगे तो हाफ ही नहीं, आपका 1 band इंक्रीमेंट भी हो सकता है. अब हम आते हैं उन कैंडिडेट्स पे जिनके रीडिंग में 5.5 भी रहते हैं. वो कहते हैं हमने इतनी बार एग्जाम दे दिया. गाइस, बार बार एग्जाम देना कोई सोल्यूशन नहीं. आपने क्या किया, क्या आपने अपनी रीडिंग पे काम किया, अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम किया, खुद को एनालाइज किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक प्रैक्टिस ही किए जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट 0 है उसमें. तो इसके लिए आपको इसका इलाज मैं बताती हूँ. इसमें आपने क्या करना है, वैसे तो देखिए आज का सिलेबस है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पे आपको प्रीवियस एग्जाम रीडिंग्स मिल जाएंगी. तो वो जो प्रीवियस एग्जाम रीडिंग्स हैं गाइस, वो एग्जैक्टली वही रीडिंग्स हैं जो एग्जाम में आई हैं. उसका पैटर्न भी कैम्ब्रिज वाला है. तो आप उन रीडिंग्स की प्रैक्टिस करें. कई बार तो वो रीडिंग ही रिपीट हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं ये नहीं बता रही कि रीडिंग रिपीट होगी, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आप राइट पैटर्न वाली रीडिंग को खुद से अटेम्प्ट करके एनालाइज करेंगे अपनी गलतियाँ, तो सेम टाइप की रीडिंग जब आपको एग्जाम में आएगी तो आपकी ऑफकोर्स परफॉर्मेंस बेटर होगी. बार 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 रीडिंग करना सोल्यूशन नहीं, एक राइट रीडिंग, सही पैटर्न की रीडिंग करना इम्पॉर्टेंट है. अब हम आते हैं उन कैंडिडेट्स पे जिनके आते हैं राइटिंग में 5.5. सबसे पहले तो उन्हें देखना है कि क्या उन्हें सही फॉर्मेट पता है. कहीं ये तो नहीं कि वो अपने सिनोनियम्स पे और रीफ्रेजिंग पे ही काम किए जाते हैं कि पीपल का सिनोनियम ये है या इस वर्ड को ऐसे रीफ्रेज करना है, हमें ये लाइन ऐसे लिखनी है. एक तो लिमिट्स में लिखने की आदत कि मुझे इंट्रो इतनी लाइंस की चाहिए, फर्स्ट पैरा इतने का. सबसे पहले तो आप इस बात को छोड़ दें. और मैं आपको बता दूं कि आपका स्कोर इंट्रोडक्शन डिसाइड करती है, तो क्यों ना आप राइटिंग में भी ऐसा ही करें कि प्रीवियस एग्जाम राइटिंग टॉपिक्स को एक बार पढ़ के उन टॉपिक्स पे अपनी नॉलेज इन्हेंस करें. हमें भी पता है आज में जो टास्क टू रिपीट होते हैं, क्राइम, ग्लोबलाइजेशन, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, सम टाइम अबाउट पेरेंट्स, सम टाइम अबाउट यूनिवर्सिटीज, के म्यूजियम पे स्पेंड करे गवर्नमेंट या एजुकेशन पे स्पेंड करे. कुछ ऐसे टॉपिक्स है, चैरिटी, चैरिटीज ऑर्गेनाइजेशन, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग अपने देश को पहले सर्व करें या बाहर सर्व करें, रिच कंट्री, पुअर कंट्री, देर आर फ्यू टॉपिक्स विच गेट्स रिपीटेड एवरी ईयर. तो व्हाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर दोज टॉपिक्स इन एडवांस. आपको पहले ही पता हो कि क्राइम पे आप क्या लिख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन पे आप क्या लिख सकते हैं, पेरेंट्स पे क्या लिख सकते हैं, रिच कंट्रीज पे क्या लिख सकते हैं, डेवलपमेंट में क्या लिख सकते हैं. तो आपको जब वैरायटी ऑफ टॉपिक्स का एडवांस में आइडिया हो जाएगा तो आपके पास ऑलरेडी, वैसे तो हम टेम्पलेट्स इनकरेज नहीं करते, लेकिन जो बच्चे 5.5 पे स्टक है उनको हम एडवाइस करते हैं दे मस्ट गो फॉर टेम्पलेट्स, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी एक बहुत सॉलिड इंट्रोडक्शन बनानी आ जाती है. तो ऑफ कोर्स एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है, तो आप 5.5 से 6 पे पहुंच जाते हैं इजीली.
अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट आल स्पीकिंग पे। आप सबको पता है हर 4 मंथ्स में एक न्यू पीडीएफ न्यू लिस्ट आती है और मोस्टली टॉपिक उसी से पूछे जाते हैं। जब आपको एडवांस में ही पता है कि कौन से टॉपिक आने हैं, फिर 5.5 स्कोर क्यों? क्योंकि आप क्रैमिंग करते हैं। जब आप क्रैमिंग करते हैं तो देखिए, आपसे पहले वाला कैंडिडेट, उसके बाद का कैंडिडेट, सबके आंसर सेम, सबकी मूवी सेम, सबकी बुक सेम, सबके आंसर करने का तरीका सेम। तो आप देखिए, अगर आपको आयल्स स्पीकिंग और आयल्स राइटिंग में स्कोर करना है तो नेचुरल होना चाहिए। इट शुड बी नेचुरल स्पीकिंग, नेचुरल राइटिंग। जब आप क्रैमिंग कर लेते हैं तो ऑफकोर्स वो नेचुरल रहती नहीं। एग्जामिनर को पता चल जाता है कि किस पीडीएफ से सबने आंसर तैयार किए हैं। तो क्रैमिंग की वजह से आपका गाइस हाफ बैंड डिडक्ट होता है। अदरवाइज 6 स्पीकिंग में स्कोर करना बिग डील नहीं। लेकिन जब आंसर ही सेम होगा सबका, तो ऑफकोर्स सबको तो 6-6 प्लस नहीं मिल सकते। तो जैसे जैसे सेम सेम रेपिटेशन होती जाती है आंसर की, वैसे वैसे स्कोर गिरता जाता है। और दूसरा, जब आप क्रैम करके बोलते हैं तो ऑफकोर्स आपकी वो ना तो फ्लुएंसी ना वैसी प्रोनंसिएशन रहती है। वो तो पता चलता है कि आप एक कहते हैं ना रट्टा मार के आए हैं और बता दिया वो। तो स्पीकिंग में अगर आपको 5.5 का अपना बैरियर तोड़ना है तो यू हैव टू बी नेचुरल स्पीकर। और दूसरा, जब आपको टॉपिक्स पता है तो गाइस अपने आंसर तैयार कर लें। आपका मूवी आपका अलग मूवी हो सबसे, बुक आप बात कर रहे हैं तो बुक भी अलग हो। तो ऑफकोर्स तो आप उससे क्या हो सकता है, इंप्रेशन भी डाल सकते हैं, स्कोर भी ज्यादा ले सकते हैं। तो गाइस आई होप इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि 5.5 आपके हर मॉड्यूल में क्यों आते हैं और कैसे वो अपना 5.5 का बैरियर तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं 6 और 6.5 पे। तो जिन कैंडिडेट्स के गाइस 5.5 बैंड आते हैं, वो मेरे इन टिप्स पे काम करके दोबारा एग्जाम देना और फिर जरूर शेयर करना हमारे साथ कि क्या आपका स्कोर में इंक्रीमेंट हुआ या नहीं। कभी भी प्रॉपर प्रेपरेशन के बिना रिपीट नहीं करना चाहिए एग्जाम। बार बार एग्जाम देने से स्कोर 5.5 से 6 नहीं होता। ये 6 कैसे होगा? जब आप अपनी मिस्टेक्स पे काम करेंगे, अपनी इंग्लिश पे काम करेंगे, अपनी स्किल इंप्रूवमेंट करेंगे, ना कि क्रैमिंग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस डू सब्सक्राइब आवर चैनल।